सेनापति अरहत सारिपुत्र, जिन पर 10 पार्ट में हमने अभी तक बताया, आज का ये 11वां पार्ट है, 11वां भाग है, पार्ट 11। सेनापति अरहत सारिपुत्र का योगदान बहुत उल्लेखनीय, बड़ा अनोखा रहा है। ये हमने सभी ने आपने सुना होगा। पूरा उन्होंने अपने आप को धम्म के लिए, लोगों की सेवा के लिए, सद्धम्म के लिए समर्पित कर दिया था। और ऐसा समर्पण का जीवन जीते हुए उन्होंने अभी अंतिम अपने जीवन की यात्रा पर वो आ गए। और अंतिम यात्रा पर आते समय उन्होंने पहचान लिया कि मेरी मृत्यु कब होने वाली है। तो जो ज्ञानी होते हैं, अर्हत होते हैं, वो तो मृत्यु को जान लेते हैं। सर्वसामान्य आदमी भी अपनी मृत्यु को कुछ समय पहले जान लेते हैं, कुछ लोग कुछ घंटों पहले जान लेते हैं, और जो बहुत ऊंचे आध्यात्मिक क्षेत्र में पहुंचे होते हैं कुछ दिनों पहले जान लेते हैं, कुछ महीनों पहले जान लेते हैं। तथागत भगवान बुद्ध ने 3 महीने पूर्व ही अपनी मृत्यु की तिथि, महापरिनिर्वाण का दिन उन्होंने घोषित कर दिया था। इसी प्रकार अरहत सारिपुत्र ने 1 हफ्ते पहले उनको पता चला कि 1 हफ्ते के बाद मैं परिनिर्वाण लूंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो सोचते हैं कि मृत्यु कहाँ मुझे करना है। तो उन्होंने तय किया कि उनका जो जन्म स्थल था, उपतिस गांव, या उसे नालक गांव भी कहते हैं, तो उस नालक में, जिस रूम में, जिस मकान में वो पैदा हुए, जहां उन्होंने जन्म लिया, तो उन्होंने सोचा कि उसी जगह पर मेरा परिनिर्वाण हो जाए। ऐसा सोचकर वो तथागत भगवान बुद्ध को मिलने जाते हैं कि बुद्ध को मिलकर मैं बुद्ध से अनुमति ले लूंगा, और बुद्ध को बताकर मैं अंतिम सांस लेने के लिए मेरी यात्रा शुरू करूंगा। इस प्रकार वो, क्यों उन्होंने वो अपना जन्म स्थल को चुना, क्योंकि उनकी माता जो रूपसारी, उन्हें उनको सद्धम्म के रास्ते पर लाना था। इसलिए उन्होंने वो जगह को चुन लिया अपने मन में, और तथागत भगवान बुद्ध को मिलने के लिए वो गए। जाकर बुद्ध को उन्होंने प्रणाम किया और बुद्ध को कहा, भगवान बनते, मैंने परिनिर्वाण लेना तय कर दिया है। आज से लेकर 1 हफ्ते के बाद, 7 दिन के बाद मेरा परिनिर्वाण हो जाएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। भगवान, ये आपका दर्शन जो मैं आज ले रहा हूँ, ये आखिरी दर्शन है। अब मैं आपको नहीं देख पाऊंगा और मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। यदि मेरे सेवा में कोई कमी रही हो, मेरे हाथ से कुछ गलती हो गई हो, तो तथागत भगवान आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए।
ऐसे होकर उन्होंने बुद्ध को वंदन किया। बुद्ध ने तो कहा कि सारिपुत्र, तुमने बहुत बड़ी सेवा की, बुद्ध शासन की, कोई गलती तुम्हारे हाथ से हुई नहीं है, ये तुम्हारा बड़प्पन है कि प्रथा के अनुसार आप क्षमा मांग रहे हैं। और बुद्ध ने उनको अनुमति दे दी। उसके बाद जहाँ बुद्ध श्रावस्ती में रुके थे, जेतवन विहार में, वहाँ पर जो गंधकुटी बुद्ध के रुकने का स्थल, आज भी वो जगह है वहाँ पर, तो उस गंधकुटी में जब बुद्ध को मिलने गए, अंतिम बार प्रणाम किया, क्षमा मांगी, और फिर बुद्ध को अपने दाएं हाथ पर रखकर तीन बार उन्होंने बुद्ध को परिक्रमा की, तीन राउंड लगाए कि आज के बाद भगवान दर्शन नहीं होगा, आपने मेरा परम परम उद्धार कर लिया, मेरा जो संकल्प था अनोमदस्सी बुद्ध के काल में, मैंने संकल्प किया था कि मैं बुद्ध का अग्र श्रावक बन के रहूं, धम्म सेनापति जैसे स्थल पर मैं प्रतिष्ठित होकर सद्धम्म की सेवा करूं, मानव लोगों की सेवा करूं, यह संकल्प मेरा भगवान आपने पूरा किया है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बड़ा धन्य हूँ आपका। ऐसा करके बड़ी विनम्रता से उन्होंने बुद्ध को वंदन किया और वो धीरे धीरे वहाँ से चलने लगे। चलते समय उन्होंने बुद्ध की तरफ पीठ नहीं किया, बुद्ध के तरफ मुंह करके पीछे 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 वो धीरे 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 चल रहे हैं। जहां तक वो गेट तक धीरे धीरे चले कि बुद्ध को देखते 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 उनका अभिनंदन करते करते वो धीरे धीरे चल रहे थे। और भगवान बुद्ध भिक्षुओं को बता रहे थे, भिक्षुओं देखो, ये जो अरहत सारिपुत्र धम्म सेनापति, जिन्होंने सारा जीवन सद्धम्म की सेवा की, बहुत उल्लेखनीय जिन्होंने कार्य किया है, ये उनका अंतिम दर्शन है। अब इसके बाद धम्म सेनापति सारिपुत्र आपको नहीं दिखेंगे, उन्हें आप नहीं देख पाओगे, उनका दर्शन ले लो, ऐसा बुद्ध ने उनको कहा। और जब बुद्ध को मिलकर सारिपुत्र निकलते हैं तो कहते हैं कि भगवान, ये मेरा आपका अंतिम दर्शन है भगवान, और आप मुझे क्षमा करें और आज्ञा दीजिए। बुद्ध ने तो आज्ञा दे दी और सारिपुत्र ऐसे निकलते हैं। बहुत सारे भिक्षु बहुत बहुत भावुक हो गए। शहर के लोग, उपासक उपासिकाओं को पता चला कि सारिपुत्र इसके बाद नहीं दिखेंगे, आज उनका ये अंतिम दर्शन हमारे शहर में हो रहा है। तो सभी लोग इकट्ठे होकर उनको विदाई दे रहे हैं। और मृत्यु ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अरहतों के लिए, सारिपुत्र के लिए मृत्यु कोई बड़ी बात नहीं, जो अरहत बनता है वो तो मृत्यु को जीतने वाला होता है। और उन्हें पता है कि मुझे मरना है, और वो मृत्यु को जानकर कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं, कोई परेशानी नहीं, आनंद है, समता में है चित्त, और समता में चित्त होकर उस बात को, सद्धम्म को जानता है कि जहां जन्म है वहां मृत्यु है, तो मृत्यु में रोने की कोई जरूरत नहीं, दुख मानने की कोई जरूरत नहीं, वो एक फिनोमिना है, वो एक घटना है, जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु होगा ही। लेकिन सारिपुत्र ये जानकर वो जब निकले अपने गांव की तरफ, मगध में नालक नाम का उनका गांव था, राजगृह के नज़दीक उनका गांव था जहां से वो आए थे, तो वहां जाने के लिए निकले उनके 500 शिष्यों के साथ। 500 शिष्य भिक्षु उनके साथ 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 पैदल यात्रा कर रहे हैं। और ये पैदल यात्रा करते करते
वो एक सातवें दिन वहां पहुंचे और जब गांव की सीमा पर गए तो गांव के सीमा पर जाकर ऊपर रेवत स्थवीर जो उनका भतीजा था वो भी भिक्षु बन गया था, तो ऊपर रेवत स्थवीर इत्तफाक से वहां उनको मिले। उन्हें पता नहीं था लेकिन वहां उनकी मुलाकात हो गई और मिलकर उन्होंने ऊपर रेवत स्थवीर को बताया अपने भतीजे को कि जाओ मेरी माता को आप संदेश दे दो कि सारिपुत्र आ गए हैं, 500 भिक्षु की व्यवस्था उन्हें करनी है, एक दिन वो मुकाम करने वाले हैं, इतना उन्हें संदेश दे दो। तो उपरेवत वो संदेश लेकर गए माता जी के पास। उनके माता का नाम था रूपसारी और ये उसका पुत्र, इसीलिए इसका नाम दिया गया इन्हें सारी पुत्र। तो संदेश जब उसने सुना माता ने, तो उन्हें लगा कि मुझे कोई पहले सूचना नहीं दी और 500 भिक्षुओं को लेकर ये आ रहे हैं। तो उसके मन में आया कि क्यों भी इतना लंबा समय तो इन्होंने बिताया है भिक्षु संघ में, जो कोई अभी गृहस्थी जीवन में तो नहीं आना चाहते, ऐसा भी उनके मन में कभी संदेह आ गया। लेकिन चलो आदेश सुनकर उन्होंने सारी तैयारी की। वो तो बड़ा धनी परिवार था, तो सभी की उन्होंने तैयारी की और उनके साथ उनके ही स्थवीर, उनके ही शिष्य अरहत चुंद स्थवीर, ये भी सारी पुत्र के साथ उनकी सेवा में थे। वहां जाकर उनके रूम को सजाया गया। उन्होंने जैसा आदेश दिया कि जिस कमरे में मेरा जन्म हुआ, जिस भूमि पर, उसी भूमि पर मैं मेरा अंतिम सांस लूंगा, ऐसा उन्होंने तय किया था। और यह मेरा मृत्यु मेरी माता भी देखे। उनकी माता वो तो सारी पुत्र के भिक्षु बनने पर प्रसन्न नहीं थी, वो तो अलग मान्यता में पड़ी हुई थी अंत तक। और सारी पुत्र ने भी कभी जोर जबरदस्ती नहीं की कि उनके मन के खिलाफ, उनके मर्जी के खिलाफ मैं उन्हें इस रास्ते पर लाऊं, ऐसा कभी सारी पुत्र ने नहीं किया। वो अपना मन उसका करे, उनके मन में वो स्वयं स्फूर्ति निर्माण हो जाए, स्वयं प्रेरणा निर्माण हो जाए तो वो आ जाएगी, और ये जानते थे कि वो आएगी। इसीलिए मेरी माता वो ये मेरा मृत्यु देखे और देखने के बाद वो सद्दंभ के रास्ते पर प्रतिष्ठित हो जाएगी, ये वो जानते थे। इसीलिए उन्होंने वो जगह चुनी थी कि जहाँ उनका जन्म हुआ था। 500 लोगों के लिए व्यवस्था की गई रहने की, उसी प्रकार उस विशेष कमरे में अरहत सारी पुत्र की व्यवस्था की गई। उनके लिए वहाँ पर बिछाना, पलंग वहाँ पर डाला गया और उनकी सेवा में अरहत चुंद ये उनकी सेवा में थे। और वो दिन था कार्तिक पूर्णिमा का दिन, जिस दिन सारी पुत्र का परिनिर्वाण हो गया, तो वो कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। और जब रात आने लगी, सूरज डूब गया और रात्रि जैसी बीतने लगी, तो रात्रि के मध्य में सारी पुत्र की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें डायरिया जैसा कुछ बीमारी उन्हें हो गई और उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उस समय उनकी सेवा में अरहत चुंद भी थे और उनका अंतिम समय देखकर उनके दर्शन के लिए, उनकी सेवा के लिए जो त्रिपिटक में लिखा है, धम्मपदत्थ कथा में लिखा है,
थेर गाथा थेरी गाथाओं में लिखा है, त्रिपिटक के कई ग्रंथों में लिखा है कि सारी पुत्र का दर्शन करने के लिए, कि सारी पुत्र का इस पृथ्वी पर ये अंतिम दर्शन होगा, ये करने के लिए चातु महाराज जी का देवता वो अपने कुछ देवता परिषद के साथ, चातु महाराज जी का देवता उन्हें मिलने के लिए आते हैं, अपने प्रकाश को निर्माण करते हुए आते हैं, आकर उन्हें वंदन करते हैं। सारी पुत्रों को उन्होंने वंदन किया और कहा कि हमें आपकी सेवा करने का मौका दीजिए, हमें आपकी सेवा करना है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी सेवा करने वाला अर्हत यहाँ पर विद्यमान है, तुम्हारी जरूरत नहीं। ऐसा कह के उन्होंने उनको बोल दिया। तो उन्होंने वंदन किया, रुके और चले गए। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद शक्र देवता, जो देवों का राजा माना जाता है, उसे देवेंद्र भी कहा जाता है, शक्र भी कहा जाता है, तो ये शक्र देवता वो वहां पर अर्हत सारिपुत्र के दर्शन के लिए आए। बहुत बड़ा प्रकाश निर्माण करते हुए अपने परिषद के साथ, देव मंडली के साथ वहाँ पर आते हैं और वहाँ आकर अर्हत सारिपुत्र को वो वंदन करते हैं, वंदन करते और कहते हैं कि हमें आपकी सेवा करने का मौका दीजिए, हमें पुण्य मिलेगा, सेवा करने का मौका दीजिए। लेकिन सारिपुत्र ने जान लिया कि ये शक्र देवता है, देवों का राजा, तो वो आए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे सेवा की अभी जरूरत नहीं है, सेवा के लिए अर्हत चुंद यहाँ पर विद्यमान है, तो आप की सेवा मुझे नहीं चाहिए। उनको मंगल मैत्री देकर उनको भी उन्होंने जाने के लिए कहा। इसके बाद और कुछ समय के बाद, वहाँ उल्लेख है, कुछ समय के बाद महाब्रह्मा बहुत बड़े प्रकाश के साथ वहाँ पर, वो प्रकाश निर्माण करते हुए वहाँ पर आ गए और वहाँ आकर उन्होंने अर्हत सारिपुत्र को आकर हाथ जोड़ा। सारिपुत्र को सेवा के लिए वो कहे थे कि मुझे भी सेवा का मौका दिया जाए, लेकिन वैसा ही उत्तर सारिपुत्र ने महाब्रह्मा को भी दिया और उन्हें भी कहा कि नहीं, मेरे लिए सेवक अर्हत चुंदर विद्यमान है। तो ये जब बड़े प्रकाश ज्योत को, प्रकाश किरणों को निर्माण करते हुए रात्रि के समय ये जब देवता लोग बारी बारी से आए, तो आते समय इनकी जो माता थी सारी, रूपा सारी, वह दूर से अपने कमरे से देखती थी कि इतना बड़ा प्रकाश निर्माण हो रहा है, कौन है, क्या है, क्यों ऐसा हो रहा, क्या हो रहा है, लेकिन वो रात में जा नहीं सकती थी। तो जब सुबह होने को आई, तो सुबह होने के बाद रूपा सारी, उनकी माता आकर वो चुंदों को पूछती है कि ये जो क्या हो रहा था रात में, इतना बड़ा प्रकाश दो तीन बार मैंने देखा है, ये कौन था, क्या था, कौन आए थे, कैसे प्रकाश निर्माण हुआ। तो ये वो चुंद को पूछने लगी, तो चुंद ने बताया, चुंद को पूछने लगी, फिर अपने बेटे को पूछने लगी कि कौन आए थे बेटा, वो कौन थे। तब उन्होंने बताया कि पहले जो आए थे वो चातुर महाराज जी का देवता लोग थे, दूसरी बार जो आए वो शक्र देवता, जो देवेंद्र शक्र जिसे कहा जाता है, देवता के राजा कहा जाता है, वो थे,
और तीसरी बार जो आए वो महाब्रह्मा थे। तो यह सुनकर ये बड़ी आश्चर्यचकित होगी कि ब्रह्मा और ये तुम्हें मिलने के लिए आए, क्या तुम इतने बड़े हो? तो उन्होंने कहा हाँ मुझे मिलने के लिए आए, और कौन वो तुम्हारे जो गुरु जो बुद्ध जो रास्ता बताते हैं क्या वो इतने बड़े हैं, इतना उनका बड़प्पन है? तो उन्होंने कहा माता जब बुद्ध का जन्म हुआ उस समय भी ब्रह्मा ने और देवता लोक ने देवताओं ने वहाँ पर उनका स्वागत किया था। पहले उन्होंने ही जन्म होते बराबर एक झूले में एक पलने में उनका स्वागत उन्होंने किया, और उसके बाद बुद्ध ये बहुत बड़े होते हैं। तो ये जब वो माता ने सुना कि तुम इतने बड़े, मैं तो हमेशा तुमको कोसते रही, हमेशा तुमको ऐसा बोलते रही, और तुम्हारे बड़ेपन को मैं नहीं समझ पाई बेटा, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो कहने लगा कि आज तो मेरा परिनिर्वाण का दिन है, और ये जो लोग आए थे मेरे परिनिर्वाण के समय दर्शन लेने के लिए और सेवा करने का मौका पाने के लिए आए थे। तो बुद्ध के बारे में जब वो बताने लगे अपने माता को तो माता बड़ी भाव विभोर हो गई, सारे उसके शरीर में प्रीति प्रमोद जगने लगा कि इतना बड़े बुद्ध, मेरा लड़का इतना बड़ा था और हमेशा मैंने उसको समझा नहीं, उसके शक्ति को मैंने जाना नहीं, और मैं उनको हमेशा कोसती रही हूँ। इस प्रकार उन्होंने पहले तो थोड़ा दुख व्यक्त किया, लेकिन जब अपने लड़के की इतने बड़ेपन के बारे में सुना और लड़के ने बताया कि मैं तो कुछ भी नहीं मां, तथागत बुद्ध बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, वो देवी देवता के गुरु हैं, वो मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं, वो निर्वाण का रास्ता दिखाते हैं, और दुख मुक्त को ले जाने का सीधा सरल मार्ग बताते हैं। तुम जाकर जरूर उन्हें मिलो। तो तब तक वो मिली नहीं थी, लेकिन आज उनके बड़ेपन के बारे में सुनकर, लड़के को मिलने के लिए जब देवता लोग आते हैं ये सुनकर, ये देखकर, अपने आँखों से उन्होंने देखा, और ये देखकर सुनकर वो इतनी प्रभावित हो गई, उनके शरीर में प्रीति प्रमोद जगने लगा, श्रोतापन्न अवस्था को उसने वही प्राप्त कर लिया। और उसके बाद जब सारे पुत्रों को पता चला कि अब मेरी माता श्रोतापन्न बन गई है, धम्म में प्रतिष्ठित हो गई है, मैं मेरे माता के ऋण से, मेरे माता के कर्जा से मैं मुक्त हो गया हूँ, जो माता ने मुझे जन्म दिया, जो मेरा पालन पोषण किया, वो सद्धम्म से दूर थी और मैं जबरदस्ती नहीं करने वाला था, वो स्वयं जान जाए और अपने आप सद्धम्म में प्रतिष्ठित हो जाए, इसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था, और ये दिन आ गया, और आज मैं मेरे माता की ऋण से, कर्ज से मैं मुक्त हो गया हूँ, ऐसा उन्होंने जान लिया कि माता अभी श्रोतापन्न अवस्था में पहुँच गई है। और तब उन्होंने अंतिम सांस लिया, उनकी मृत्यु हो गई, उनका परिनिर्वाण हो गया।
तो इस प्रकार अपने मृत्यु को जानना, अपने मृत्यु को जीत लेना, ये अरहत सारिपुत्र के जीवन से प्रतीत होता है। ये सारिपुत्र का जीवन ये बताता है कि जिन्हें मृत्यु का पता एक हफ्ते पहले चला और फिर अपने गांव वो जा रहे, पैदल पैदल जा रहे, बड़े खुशी से जा रहे, कोई उसमें दुख नहीं, कोई गम नहीं, और जाकर उन्होंने अपने उस नालक गांव में अंतिम सांस लिया और महापरिनिर्वाण को उन्होंने पा लिया। उनके पिता का नाम था वंगत ब्राह्मण, वंगत नाम के। उन्हें तीन भाई थे सारिपुत्र को, एक का नाम था चुंद, दूसरे का नाम उपसेन और तीसरे का नाम रेवत था। ऐसे तीन दूसरे भाई थे सारिपुत्र चौथे, ऐसे चार भाई थे वो। और ये चारों भाई बाद में, तीनों भाई बाद में वो भी समय समय जैसे आया वैसे वैसे वो भी भिक्षु बन गए, वो भी अरहत बन गए। उसी प्रकार उन्हें तीन बहनें थी सारिपुत्र को। ये तीन बहनों में से एक का नाम था चुला, दूसरे का नाम था उपचाला और तीसरी का नाम था शिशुपचाला। ऐसे तीन उनकी बहनें थी, तीन बहनें, तीन भाई और अरहत सारिपुत्र, ऐसे सात लोगों का भाई बहन सात लोग थे। ये बाद में छवि सभी लोग समय को देखकर, समय पाकर सभी लोग प्रवज्जित भी हो गए थे, अरहत बन गए। और जो ऊंचे से ऊंचा रास्ता होता है जीवन जीवन में पाने का, उसको इन्होंने पा लिया। इस प्रकार अरहत सारिपुत्र की बड़ी अनोखी और बड़ी एक चमत्कारिक ढंग से उनकी मृत्यु हो गई थी, उनका परिनिर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ। ये त्रिपिटक के ग्रंथों में इसका बड़ा विस्तृत विवरण लिखा हुआ है, जो हजारों सालों से भिक्षु संघ ने, बुद्ध शासन ने उसे संभाला हुआ है। आप सबको निरोगत्व मिले, सबको सुख शांति मिले, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्ब की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका सबका मंगल हो।